तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी मैंगो की रबड़ी, जो झटपट से बन जाती है और कुछ खास इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं इसमें। और आपके घर में मिल्क और मैंगो हो तो ये रबड़ी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही पसंद आती है सभी को। तो चलिए कैसे बनाते हैं ये मैंगो की रबड़ी। तो यहाँ पे मैं पैन रख ली हूँ और 1 लीटर दूध ली हूँ, फुल फैट मिल्क है ये। आप यहाँ पे कोई भी दूध ले सकते हैं, कच्चा दूध या पका हुआ दूध या पाउचेस का। और ये एक उबाल आने के बाद हम फ्लेम को धीमा कर देंगे, नहीं तो हमारे जो दूध है ये तली में लगने लगेगा जो रबड़ी बना रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग रबड़ी बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा थिक हो जाए तब तक को आप पकाना है। बस इसमें रबड़ी बनाते समय इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर है यहाँ पे दूध बहुत जल्दी लग जाता है, मलाई जो होती है, तो यहाँ पर चलाते रहिए। अगर आप भगोने में रबड़ी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में पानी डाल दीजिए, तो ज़्यादा नीचे लगेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना मीठा आप पसंद करते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ली है। और ये चीनी जब हमारी डिसॉल्व हो जाएगी तो इसके बाद हम 5 या 10 मिनट और पकाएंगे। अब हमारा दूध बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है और हम फ्लेम ऑफ करेंगे और 1 लीटर का 1/4 हमारा दूध बचा है। अब हम ठंडा करेंगे दूध को, और दूध को ठंडा करने के बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है अगर आपको ऐड करना हो तो, बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है काजू, और बहुत ही बारीकी चॉप किया है, और कुछ बादाम, और इसके बाद कुछ किशमिश, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। तो ये देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स मैंने मिला दिया है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंगो रबड़ी में कुछ खास इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं, बस 1 मैंगो और मिल्क। तो देख सकते हैं अब मैं ऐड करूँगी इसमें इलायची, और इलायची से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। तो इलायची मैंने यहाँ पे 2 इलायची ऐड की हैं, और मिक्स कर देंगे और एक साइड रख देंगे। अब हम जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है मैंगो, तो अब मैं 1 मैंगो लूँगी, और ये देख सकते हैं, और मैंगो थोड़ा सा साइज में बड़ा लूँगी। और मैंगो बिना रेसे वाला लेंगे तो वो बहुत ही अच्छी रबड़ी का टेस्ट आएगा, क्योंकि अगर रेसेस रहेंगे तो फिर रबड़ी खाते टाइम वो रेसेस आएंगे तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मैंगो को पील कर लिया है, अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और इसके बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी, और एक हमारा अच्छा सा पल्प रेडी हो जाएगा। और बहुत ही महीन आप ग्राइंड करिएगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया, ये देखिए पल्प हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं उसी पैन में जिसमें हम लोगों ने रबड़ी बनाई थी तो उसको हल्का सा हीट करके इसी में ही मैं पल्प को हल्का सा पकाऊंगी, क्योंकि पल्प को हल्का सा पकाने से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और कलर चेंज हो जाता है। और इसी में ऐड करूंगी मैं चीनी 1 टेबल स्पून। आप चीनी ऑप्शनल है इसमें, क्योंकि अगर आपका मैंगो बहुत मीठा हो तो आप चीनी मत ऐड करिए, अगर खट्टा हो तो 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैंगो बहुत मीठा नहीं आ रहा है तो इस वजह से मैंने चीनी ऐड किया, और इससे एक बहुत अच्छा मैंगो को हम लोग हल्का सा पकाने से बहुत अच्छा एक कलर चेंज हो जाता है। तो देख सकते हैं कलर चेंज हुआ है। और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और मैंगो को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देख सकते हैं अब मैं मैंगो को ठंडा करने के लिए रख दूंगी, और इसके बाद अब मैंगो मेरा ठंडा हो चुका है। तो यही पल्प अब मैं ऐड करूंगी अपनी रबड़ी में। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और रबड़ी में पल्प ऐड करने के बाद आप अगर भूनना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट पल्प को ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं मैंने रबड़ी में पल्प को ऐड कर लिया है, अब मिक्स कर देंगे रबड़ी के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है और झटपट से रेडी हो जाती है, और एक बहुत क्यूट डिज़र्ट है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करिए इस सीज़न में, और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये मैंगो रबड़ी। बहुत ही झटपट से बन जाती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये मैंगो रबड़ी। और अब मैं गार्निश कर लूँगी, मैंगो के कुछ पीसेस से ही मैंने कट किया है, तो ये देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। और गार्निश करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने जो
रबड़ी में डाले थे वही मैंने ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे, तो मैं ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें काजू बादाम और किशमिश से गार्निश किया है, तो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक इन्जॉय करिए ये मैंगो रबड़ी। रबड़ी आपने बहुत खाई होंगी, बट ये मैंगो की रबड़ी का फ्लेवर बहुत ही अलग है, अमेजिंग सा फ्लेवर है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना तो बनता ही है, तो ट्राई करके बताइएगा कि आपकी मैंगो रबड़ी कैसी बनी। और कुछ खास इंग्रेडिएंट नहीं लगते, सिर्फ मैंगो और मिल्क। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्जॉय करिए, थैंक यू।